बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना, कमेंट यार नेगेटिव मत किया करो प्लीज। तुम ऐसा समझते हो तो नेगेटिव तो कमेंट करोगे तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, जरूर बनाऊंगा। जो भी जैसा कहते हैं ना, आप फर्स्ट पेपर आपका बहुत अच्छा गया हुआ, लेकिन मैं आपको जब दे रहा हूँ ना ऑल यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस वही पढ़ो यार, कुछ मत देखो, क्योंकि वही सिलेबस में है आपके, बाहर से कुछ नहीं है। आप स्पेशल दौर से आप कह रहे हो, जस्ट मोमेंट रुको, आप स्पेशल दौर से कह रहे हो कि आपके लिए बनाया जाए, चलो ठीक है, ये काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए बना के दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। लो 2022 के पेपर में, जो कल का पेपर है 29 अप्रैल 2022 को जो पेपर होने वाला है बीएससी थर्ड ईयर वालों का, बॉटनी का सेकेंड पेपर, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और बताओ, पढ़ लो, यही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, मैं बता रहा हूँ। नोट करो अपने बुक नोट्स, गैस पेपर जो भी आप लेके आए हैं उस पर कर सकते हो, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, फ्री जिसे कहते हैं ना फ्री, वो कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन को याद करते हुए तो आप हमारे नोट्स को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फ्री कहां से करेंगे तो आप paperhacker.in पर जाइए, paperhacker.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक वेबसाइट है हमारी paperhacker.in, उस पर सर्च करेंगे, नीचे जाइएगा, वहां आपको मिलेगा बीएससी थर्ड ईयर, आप उस पर टिक करिएगा। बीएससी थर्ड ईयर जैसे टच करेंगे सारी खुल जाएंगी, जो भी आपको नोट्स डाउनलोड करना है, मतलब कि आपको खुद अपना बनाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उस नोट्स का, आपको केवल उस नोट्स को यूज करना है तो आप थोड़े से और नीचे जाइएगा और वहां आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के लिंक, या फिर आप हमारे प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए पेपर हैकर, जो आपके फोन में प्ले स्टोर होता है उस पर पेपर हैकर सर्च करिए, हमारे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, आप उसमें सर्च कर लीजिए कि हमारा ऐप कौन सा है, ठीक है ना। आप आसानी से जो भी हमारा ऐप होगा उससे आप तैयारी करिए, कोई इशू नहीं है, वहां से आपके एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे, सब कुछ आपको फिर जो हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को वो फ्री होगा, और जो हमारी मतलब कि आप ये चाहते हैं उस नोट्स को हम खुद अपना बना ले तो आपको बेटा पैसा देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, उसका वेबसाइट को ही देना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं देना है, वेबसाइट पर ही सब कुछ मिलेगा, वहीं से आपको बैलेंस कढ़ाना पड़ेगा बस। तो आप मेरे हिसाब से फ्री पढ़िए, बैलेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मांग नहीं रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, बीएससी थर्ड ईयर वालों का बॉटनी का सेकंड पेपर है जो कल होने वाला है, यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना। क्या करना है बेटा, सेकंड मीटर सेकंड मीटिंग में आपका पेपर है, अब आप लेके आने वाले हो 85% प्लस, समझ गए, चलो ठीक है, लगाइए। पहले आप करेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसका व्याख्या कर रहे हैं बेस तरीके से, समझ रहे ना, और सुन लो मेरी बात, पहले तो आप जो भी पेपर हुआ करे, जो भी पेपर आपका हो रहा है उसकी पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसके फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037327738 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7037327838 इस पर आप, ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर फोन फोटो खींचकर तुरंत भेजिए अभी मुझे, ठीक है ना। जो भी पेपर आपका फर्स्ट पेपर हुआ है वो भी मुझे भेजो, सेकंड पेपर होगा वो भी आप भेजोगे मुझे, इतना तो करिए, ठीक है ना, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप इतना करिए। और सभी फैमिली मेंबर्स के फोन में पेपर हैकर को सब्सक्राइब करा दीजिए। एक न्यू हमारा चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, न्यू चैनल हमने लॉन्च किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उसको भी यार थोड़ा सा प्यार दे दो फटाक से जाके, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। पहला हमने क्वेश्चन पर टिक लगा लिया, पहला क्वेश्चन पे किस किसने टिक लगा लिया, न्यूक्लिक एसिड इन संरचना के बारे में, डीएनए, देखो आपसे ये पूछेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि आप सिद्ध करिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करिए कि डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पर कि सिद्ध करिए कि डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे भैया, अब उन्होंने समझ रहे हो ना, तो डीएनए को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों के बारे में 2-3 प्रयोगों के बारे में बता देना, ज्यादा नहीं, बस चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है ना, उन्हें निमोनिया हो गई, फिर निमोनिया नहीं हुई, तो वो चीज है डीएनए, वो आपको यहां एक्सप्लेन करेंगे सभी लोग, ठीक है। अब देखो यहां ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अनुवंशिक कुट को हम जेनेटिक कोड कहते हैं इंग्लिश में, आप जेनेटिक कोड 5 टाइप्स के होते हैं, उन 5 टाइप्स के बारे में आप याद करके जाएंगे, ओके चलो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण, देखो ये है ना जीवाणु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण,
प्रोटीन का संश्लेषण इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, या जो यही को देखो जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वही यहां बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं बताने वाला, मैंने आपको बताया ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स के महत्व को याद करेंगे आप, पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के महत्व को, डीएनए के जितने सॉरी विटामिन से जो हमारे होते हैं विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन के ठीक है विटामिन डी, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कौन सा रोग क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं वो आपसे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोटीन संश्लेषण अभी मैंने आपको बताया है, ऊपर बताया था, उसकी संरचना प्रकार और क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेना। एक आता है वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल के बारे में, आप जानते हैं वाटसन क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, उस डीएनए मॉडल को आप अच्छी तरीके से इस तरीके से बना हुआ था होता है, आपको बताया ये डीएनए मॉडल होता है इस तरीके से, ये आपको सिद्ध करना है ठीक है ना, पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम बनाकर सहित आपको उसका पूरा व्याख्या करना है। उसके बाद में आप देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन पे टिक लगाइए, एंजाइम के प्रकार और प्रकार के बाद उसकी बार क्रियाविधि, एंजाइम के क्रियाविधि को देखेंगे, और आप ये देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी समझ लेना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। यहां देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप याद करेंगे, जीन की आधुनिक विचारधारा, मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, इसको पढ़ लेना, जीन की ठीक है ना, फोन आ रहा है किसी का, चलो मैं बाद में बात करूंगा, चलो। और बाकी यहां देखिए, यहां बोला गया है विषाणु मुक्त वायरस प्लांट, इसको छोड़ दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं डीएनए आरएनए में अंतर आप देखेंगे, डीएनए आरएनए में अंतर आप याद करेंगे, देखिए ध्यान से टिक लगाइए। उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, आप ये भी क्वेश्चन को देख लेना, यदि आपके गेस्ट पेपर में हो तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना ठीक है। अनुलेखन को आप पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, इंजाइम जो कह सकते हैं गति की, इंजाइम की क्रियाविधि जो ऊपर मैंने बताई थी वही प्रोसेस है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गिब्स की मुक्त ऊर्जा अवधारणा, ये वाला आप देख रहे हैं ना, गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पे लगा देना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, ये वाला देख लेना, गिब्स की मुक्त अवधारणा के बारे। उसके बाद में नीचे जाइए, ये देखिए आप कोएंजाइम, ये जो कोएंजाइम देख रहे हैं ना, ये एंजाइम के प्रकार है कोएंजाइम ठीक है, ये देख लीजिए एलोस्टिक एंजाइम, ये एंजाइम है ना, एंजाइम के प्रकार है, मैंने बोला एंजाइम के प्रकार याद कर लेना, 3 से 4 प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम फिंगर देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को याद करेंगे, फिंगर प्रिंट किसे कहते हैं, और ओवरलैपिंग जीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीपी के बारे में देखिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा, और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए में आप मैसेंजर आरएनए एमआरएनए पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए पढ़ेंगे ठीक है। और देखो यहाँ पर हाउसकीपिंग जीन क्या होता है, हाउसकीपिंग जीन के बारे में याद करेंगे, द्वितीयक सेकेंडरी मैसेंजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी मैसेंजर को आप पढ़ के जाएंगे, और टिकोनिया गैप्स इसको छोड़ दीजिएगा ट्रांसलेशन, और यहाँ क्या है चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम पढ़ लेना ठीक है, चारगाफ का नियम पढ़ लेंगे यदि हो आपके गेस्ट पेपर में तो पढ़ लेना है, बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ यहाँ देखिए। उसके बाद में आप पढ़ेंगे देखो प्रत्यारोपण, इसको छोड़ दीजिएगा, ये देखिए अंडास वर्धन ओवर कल्चर सॉरी ओवरी कल्चर से कहते हैं, और एम्ब्रियो कल्चर, इन दोनों कल्चरों को देखना, भ्रमण कल्चर जैसे अंडाशय कल्चर बोलते हैं, इन दोनों कल्चरों को देख लेना है, और उसके बारे में जैसे संवर्धन बोलते हैं हिंदी में, और यह है प्लांट टिश्यू कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट पे लगाना ठीक, प्लांट ठीक है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में देखिए देखो स्लिप जीन क्या होते हैं, जिसे हम स्लिप्ड जीन बोलते हैं, इसको आप पढ़ के जाएंगे एक बार, और इसको देखो वन जीन वन एंजाइम जो हाइपरथैलेसिस होती है, उसके बारे में छोड़ दीजिएगा, ये आप पढ़ लेना, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में जिस जीवद्रव कल्चर बोलते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी इसको छोड़िएगा, फालतू ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, बस वही पढ़ रहे बोल रहा हूँ जो आपके पेपर में आ रहा है ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को, बस वही पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ देखो एम्ब्रियम, इसको छोड़ दीजिएगा, और ये एनिमल्स हार्मोन्स जो होते हैं, एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में यदि आपके गेस्ट पेपर में दिया हो तो पढ़ लेना ये टॉपिक, एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में, जो एनिमल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं पशुओं के अंदर वो आप देखेंगे, और पादप हार्मोन्स आप पढ़ लेंगे, पादप हार्मोन्स जो होते हैं वृद्धि हार्मोन्स से बोलते हैं, जैसे कि ऑक्सिस और जिब्रेलिस, ये दो हार्मोन्स को पढ़ लेना, हो सके तो उसमें गतिकी का द्वितीय नियम भी आपसे यहाँ पूछ लेता है,
यदि उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम यदि आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में दिया हो तो इसको पढ़ लेना है, शॉर्ट फॉर्म में देख लेना। और यहाँ है देखो ट्रांजेनिक प्लांट और जेनेटिक ट्रांसफॉर्म प्लांट, यहाँ बोल रहा है जीन ट्रांसफर इन प्लांट। देखो जो आप यहाँ बोला गया है कि जो जीन होते हैं वो एक जीन दूसरे जीन में, मतलब एक पौधे के जीन दूसरे पौधे में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ बोला गया जीन ट्रांसफर इन प्लांट, इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। ओके, इंटरस्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ देना, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया संक्रमण किस तरीके से होता है, ठीक है, तो हो सके तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, किस तरीके से संकरण होता है, एक दूसरे का जो क्रियाएं होती हैं एक पौधे में दूसरे प्लांट में कैसे होती है, यदि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया हो तो पढ़ लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। दैहिक, देखो यहाँ दैहिक संकरण आ गया जिसे हम सोमलिटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और षड्यंत्र उत्पादन के बारे में इसको छोड़ दीजिएगा, माइक्रोबाइक जैविक प्रौद्योगिकी इसको छोड़ दिया, बाकी सबको छोड़ो, जो मैंने आपको टिक लगाया वही पढ़ना है, ठीक है, बस उतना ही पढ़ना है। वीडियो को दोबारा सा थोड़ा सा पीछे करके देख लेना कि मैंने क्या क्या टिक लगाया था, वही पढ़ना है। और आज की वीडियो कैसे लगी, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप 85% प्लस लाएंगे, ठीक है ना, यही पढ़ के जाना है जो आपके गैस पेपर में दे रखे हैं, जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं वही टिक लगा लो, और एक दो क्वेश्चन आपका दिल और करता है पढ़ने के लिए एक दो क्वेश्चन, तो उसको पढ़ के चले जाना, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यदि गलती से भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो आप उसको बना बना के करके आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।